स्कूल में स्पोर्ट्स है क्योंकि सैटरडे की वजह से इसकी छुट्टी रहती है, तो अभी हम थोड़ा लेट हो गए, 9 बजे से थे, 9:30 बज रहे हैं, तो अभी बस हम निकल रहे हैं, इसको तैयार व्यार कर दिया, देख के आते हैं क्या खेलते हैं या क्या करते हैं। चले मेडल लेके आएगा अनाज। क्यों बेइज्जती हो जाए, ले लो उठा लो, मेरे को क्या फैमिली फंक्शन है ना, मतलब सबको बुलाया है तो सब लोग कार से आते हैं। तो मैं भी दौड़ाएंगे क्या, फैमिली फंक्शन है बच्चों, तो मैं और मुझे साथ में दौड़ाया जाए कैसा लगेगा? हम अपोजिट में दौड़ेंगे, अपोजिट। मैं तो मौका देख के निकल जाऊंगा, तुम निकालो उसके पैर। अपोजिट में मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ोगे? हां। कंपटीशन कैसा हुआ पूरे डायरेक्शन में दौड़ेगा? बोल तो दौड़ने से खतरा जाएगा। हवा नहीं लग रही है तो ये लीजिए, चलिए पहुंच चुके हैं आयान के स्कूल में, और ये देखिए सारे बच्चे आ भी चुके हैं, लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और ये ग्राउंड है यहीं पर बच्चों के गेम्स हो रहे हैं, तो 2-3 पंडाल लगे हुए हैं, दो तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है पेरेंट्स बैठे हुए हैं सारे तालियां बजाने के लिए, बच्चों को चेयर अप करने के लिए। तो वही मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा था, वो ये बोल रहे थे कि इनको छोड़ दो तो वो ले जाएंगे, और हमें जाना था दूसरी तरफ बैठने के लिए, और यहाँ पर ग्राउंड में चल रही है बच्चों की दौड़। तो यहाँ पर बच्चों के गेम्स देखे, सारी चीज़ें एंजॉय किया, उसके बाद इन लोगों के छोटे बच्चों का 12:30 बजे तक ही था, बाकी लोगों का 3-3:30 बजे तक था, और उसके बाद हम चले आए कहीं और, ये कह रहे चलो कहीं और चलते हैं, तो हम चले आए यहाँ पर ऋषिकोंडा बीच पे। आयान के स्पोर्ट ख़त्म हो गया था, स्पोर्ट वाला 12:30 बजे तक था, बड़े बच्चों का था 3 बजे तक, तो ये बोले चलो थोड़ा सा इसको लाओ बीच घुमा लाते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं हम भी घूम के आते, कई दिन से आए भी नहीं थे। अरे वाह यार आज तो बोर्ड बहुत चल रहे भैया। मन तो हमारा भी कर रहा है बोटिंग करने का, लेकिन हम लोग अयान की वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये एक जगह ठहरता नहीं है, ले जा सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे है ना, ये ऊपर जाके बहुत हिलेगा ढुलेगा, बहुत मस्ती करने की कोशिश करेगा, फिर इसको संभालना हो जाएगा मुश्किल हमारे लिए, क्योंकि हम भी मस्ती कर रहे होंगे उस टाइम, तो इसलिए ठीक है, ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाए यार उसकी बात। अरे मैं तो लौट जाऊंगा, ठीक है खेल लो, गरम है ना, गरम है ना, हाँ तो खेल लो। और ये देखिए जो सामने से पूरी बोट भरी हुई आ रही थी उसमें ये मछलियाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मछलियों का बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, तो ये सारी नेट पे जितना ही दिख रहा है सारा मछलियाँ भर भर के लाए हैं और सारा यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो वही हम देख रहे थे दूर से बोट आ रही थी ना पूरी भरी हुई, और ये सारी ये देखिए कितनी बड़ी। और ये स्कूल से इतना खेल के आया है, वहाँ पे सारे बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाना और ये समोसे वगैरह बड़ों को बांट रहे थे सारी चीज़ें, से कुछ नहीं खाया, वहाँ इतना दौड़ के आए, लेकिन यहाँ भी आके पार्क में टूट पड़ा है। अरे छोटी है ये, इसका आधार कार्ड दिखाओ।
तो हम घर से गए थे नाश्ता करके, तो वहाँ पर जो समोसे बट रहे थे तो खाने का मन नहीं था, तो मैंने पर्स में ही रख लिया था क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और यहाँ पर आके अब काफ़ी देर हो गई, तो मन कराया था खाने का, क्योंकि जो समोसे थे ना ये प्याज वाले मिलते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, तो वही मैंने कहा चलो खा लेते। और हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे तब तक हमें एक सब्सक्राइबर मिल गई, और ये आई है छत्तीसगढ़ से, मतलब ये वाइजैक से नहीं है, बाहर से आए घूमने के लिए, और पूरा ग्रुप आया है उनका, तो अचानक से मिल गई तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा अगर आज हम आ गए यहाँ पर इसी कोंडा तो इसी बहाने मिल भी लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, अचानक से मिल जाते तो खुशी अलग ही होती है। और जब तक मैं बातें करने में लगी हुई थी तब तक आयान ने मेरी आंखों में भर दिए रेत, क्योंकि वो मौका ढूंढता है कभी अपने में बिजी हो जाए तो मैं अपने मौके की तलाश में रहूं। और ये देखिए इनका पूरा ग्रुप आया हुआ है, बहुत अच्छा लगा मिलके। और सच में घूमने में यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, बोट नहीं कर पाए थे हम आयान की वजह से, डर लग रहा था। तो दोस्तों अभी हम आए हैं अपने पुराने अपार्टमेंट के पास वाले सुपर मार्केट से राशन लेने, तो मतलब ये है ना कि इकट्ठा ले जाएंगे यहीं से, इकट्ठा ले जाएंगे और प्लस हमको इस तरफ आना भी था। हाँ तो मैंने सोचा वहीं से, हाँ यहाँ पे सामान सही मिल जाता है, तो इसलिए मैंने कहा एक बार लेके जाना है, चलो यहीं चलते हैं, तो इसलिए हम आ गए हैं। और गाड़ी ये जो हमारा मतलब पुराना वाला घर था उसी के सामने ही खड़ी कर देंगे, उधर जगह भी है, फिर हम जाके सामान ले लेंगे। ये तुमने अच्छा करा बता दी, अब क्या ना वो लोग देखते रहेंगे गाड़ी को। ये रहा हमारा पुराना वाला अपार्टमेंट, ये देखिए ब्लू कलर की एक चद्दर सी दिख रही है जो बालकनी में लगी हुई है, वही वाला है हमारा घर पुराना, मतलब अब नहीं, अब तो दूसरी फैमिली रहती है। और ये है नीचे जो रहती थी भाभी हमारी, जो वॉचमैन भैया रहते थे पुराने, आपको पुराने वीडियो से शायद याद हो, तो इनसे मिलके मैं बातें बातें करने लगी, काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ राशन लेने के लिए, तो अभी भले ही मैं यहाँ पर बहुत दिन बाद आई हूँ, एक आध बार तो वहाँ से भी आ गई हूँ यहाँ पर बीच में राशन लेने, लेकिन अभी काफ़ी दिन के बाद आई हूँ, वहीं ले लेती थी, लेकिन ये होता है ना एक बार आदत पड़ गई थी, मुझे अभी भी याद रहता है कि कहाँ पर क्या रखा है। और ये देखिए पुराने स्टाफ में से, क्योंकि स्टाफ भी काफ़ी बदल गया है ना, तो वो मुझे पहचान चुकी थी, तो चलिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ फटाफट से सामान। पहले तो मैंने वो सारा सामान ले लिया जो मुझे बिना लिस्ट के याद था, फिर मैंने अभी लिस्ट निकाली है। ये कहते हैं सॉफ्ट कॉफ़ी ले लिया करो, लेकिन मैं पूरा पर्चा लेके आती हूँ, मुझे इससे ही मतलब सुविधा रहती है सारा सामान कलेक्ट करने में। और जब तक मैं सामान ले रही थी इधर उधर, तो कई चीज़ें ये पता नहीं उसको क्या पसंद आ जाता, कई चीज़ें रख जाता है, जब मैं बिलिंग होती है तब मैं देखती हूँ कि क्या क्या उठा के ला के रखा आया है, तब काफ़ी सामान हटाना पड़ता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ला ला के ये लेके जाओ। और जितना पूजा पाठ का सामान था, मुझे कुछ धूप बत्ती वगैरह वैसी चीजें जो लेनी थी, प्रसाद वरसाद ये सारी चीजें, घी वगैरह, वो रुई की बत्ती, ये सब मैंने इनसे रखवा लिया है, तो ये सारी चीजें इन्होंने ले ली है, बाकी सारी चीजें मैंने ले ली है, इकट्ठी कर ली है। तो बस यहाँ से क्या है, हम इकट्ठा राशन ले आएंगे, तो फुटकर नहीं लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ का रेट भी सही लगता है। कौन सा ट्यूब लेना है बताओ, कौन सा क्या लेना है, क्या लेना है बताओ, क्या क्या चाहिए, कौन सा क्रीम, कौन सा कह रहा है आपका क्रीम लेना है, पता नहीं कौन सा क्रीम लेना है। चलो ये बॉडी लोशन मेरे को चाहिए था ना, तो वो कह रहा है अपना ट्यूब क्रीम ले लो। तो बस शॉप से राशन उठा के यहीं पे ले आए हैं, और बस यहीं से हम निकल जाएंगे, और सबसे मिल भी लिए इसी बहाने, ऊपर नहीं गई मैं, ऊपर जो पहले आंटी वगैरह रहती थी उनसे ही मिलती, लेकिन टाइम नहीं था ज़्यादा। उसके बाद हम यहाँ पर सोनो विजन में आ गए थे,
ये क्यों थे सर? इसको पता था सोना है ना, वॉशिंग मशीन लगा, वॉशिंग मशीन ले लो पापा, वॉशिंग मशीन ले लो। मैंने कहा तुमको बड़ा काम है और पापा को बड़ा काम है वॉशिंग मशीन का, जो पापा ले ले और तुम कहोगे। और इसको क्या खुशी है, इसको क्या करना होता है वॉशिंग मशीन से? तो दोस्तों आज हम लोग फिर से सोनू विजन के शोरूम में आ गए हैं और ये भैया जा रहे हैं हमें वॉशिंग मशीन दिखाने, क्योंकि अभी फाइनली ये डिसीजन लिया है कि हम नई वॉशिंग मशीन देख लें, ले लें। आज तो देखने ही आए वैसे तो, क्योंकि वो काम कर नहीं रही है, कई बार सही करवाने की कोशिश की, दिखवाने की कोशिश की, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, कपड़े भी गंदे। इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि टॉप लोड हटा के फ्रंट लोड ले लें, पर्पस वही है। तो यहाँ पर जब मैंने फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन देखी तो इनके टब मुझे बहुत छोटे छोटे लग रहे थे कि इसमें जो है कपड़े कैसे बनेंगे, बड़े कपड़े वगैरह कैसे धुलेंगे, या कई बार डाल के धोने पड़े। वो हम जो टॉप लोड है उसमें तो ब्लैंकेट डाल देते हैं, इसमें ब्लैंकेट मगर टॉप साइज ज्यादा दिखता है टॉप लोड में, क्योंकि पानी ज्यादा लेता है, साइज ज्यादा होगा तो ब्लैंकेट डिप तो हो जाएगा, अंदर चला जाता है। बट इसमें हम वो डबल बेड का ब्लैंकेट अंदर कैसे डालेंगे, मतलब कैसे जाएगा? कम कैपेसिटी कम है इसमें, ब्लैंकेट भी क्लीन नहीं कर सकते इसमें, नो कैपेसिटी ज्यादा लेना। जो 6 लीटर वाली मशीन थी उसका तो टब बहुत ही छोटा लग रहा था, जबकि टॉप लोड में 6 लीटर का काफ़ी बड़ा लगता है। जो 8 लीटर वाली ये दिखा रहे हैं, 8 लीटर वाली का टब थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। मैंने कहा जैसे कंबल वगैरह धोना है वो हाथ से तो धोएंगे नहीं, तो कैसे वॉश हो पाएगा, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो मैंने देखा कि इसमें जो है कंबल धुल सकता है, डबल बेड की बेड शीट वगैरह भी जा सकती है, आराम से धुल सकती। तो वही सारे मैं इनसे फंक्शन पूछ रही थी, और ये IFB कंपनी की है, वो इसी को बेस्ट बता रहे थे कि ये अच्छी है और अच्छी चलती भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी देखी हैं, और उसके बाद हम आ गए हैं घर पे। ये सारा राशन आ गया है, ये देखिए अभी वो राशन की लिस्ट ही लिए घूम रहा है, उसी में उसने ABCD भी लिख डाली, जितनी देर ये रख रहे थे सामान उतनी देर उसने ABCD लिख ली है। फाइनली दोस्तों राशन आ गया, एक बड़ा काम हो गया है। और वहाँ इसलिए गए थे, वहाँ के और यहाँ के रेट में काफ़ी अंतर है। यहाँ पे ये सामान 1000-1500 का ज़्यादा मिलता, वहाँ पे इतना थोड़ा अंतर हो जाता है। चलो चले आओ, और बाकी मशीन भी देख आए हैं अभी, मतलब फाइनल लेके बस देख आए, रेट वेट ले आए, क्योंकि अब इसका काम हो गया, कपड़े साफ नहीं हो रहे हैं। मैं बता रही ना मशीन काफी दिन से खराब है, सही चल ही नहीं रही है। और आयान के स्कूल से और बीच से आने के बाद में काफी लेट आके हमने खाना खाया था, तो ये शाम को कह रहे थे अभी खाने का मन नहीं है, सैंडविच खाने का मन है, मुझे सैंडविच ही खाने हैं। ये अत्याचार सही है क्या? बट एक्चुअली रमा मेरे पे अत्याचार नहीं कर रही है, अगर रमा बनाएगी तो ये मेरे द्वारा रमा पे किया गया अत्याचार होगा। क्यों ऐसा होगा रमा? क्योंकि रमा के पीरियड चल रहे हैं। तो सैंडविच के लिए जा रहे थे आलू रखने बॉयल होने के लिए, मैं कह रही थी सब्जियां वगैरह काट के मैं ऐसी सब्जी के ही बना दूंगी, तो ये कह रहे थे नहीं आलू वाले ही खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है फिर रख दो। तो ये पूछ रहे थे कितनी आलू रखनी है बॉयल होने के लिए, जब कोई पूछता है ना तो ऐसा लगता है ना खुद कर लो, कोई पूछे नाम से बार बार तो ऐसा लगने लगता है कभी कभी। और ये लाया था अपने लिए लाई का पैकेट, कह रहा था लाई खाना है, तो इसको मैं दे रही थी लाई। तो चलिए अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड भी कर रही हूँ, मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।